चांस मिलना चाहिए एक नई सरकार को। चुनाव तो आता है और चला जाता है, पर गरीब आदमी जहाँ खड़ा था वो वहीं खड़ा रह जाता है। कोई सरकार गरीबों और दलितों को ध्यान नहीं देती। हर बंदा परेशान है, महंगाई बहुत है। कांग्रेस होगी, अकाली दल होगी, बीजेपी होगी, इन्होंने कोई जनता का साथ दिया नहीं है, इसलिए कह रहे हैं झाड़ू वाली पार्टी को वोट देना चाहिए। अच्छा है। नमस्कार, मैं भाषा और मैं आपको ले चल रही हूँ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसी डेरा बस्सी के महमूदपुर गांव में, वहां पर वाल्मीकि बस्ती में। आइए मिलकर देखते हैं कि यह गांव अपने आप में पंजाब के विकास की कहानी क्या कह रहा है, किस तरह से यहां के निवासी देख रहे हैं इन चुनाव को, उनके मुद्दे क्या हैं। इस गांव से आरपीआई के एक उम्मीदवार भी हैं जो इसी गांव में रहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में और खास तौर से इस गांव में किस तरह से इतने सालों में जो विकास हुआ है, विकास के वादे हुए हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, क्यों आखिर जीवन इतना कष्टप्रद है, क्या इसकी एक बड़ी वजह जाति है, अभी क्या सबसे बड़ी मुश्किल है, और आप सरकार के लिए क्योंकि चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? घर बार ठीक बनाने चाहिए जी, सारी गलियां बिस्तरी हो रही जी, सारा कुछ नहीं होता जी, यहाँ पे तंगी हो रही जी सारे, देखो कच्ची छत है, पानी आवा ऊपर ते। हाँ जी। आपकी क्या मांग है? हमारी भी वही मांग है, बस वही मांग है। हाँ जी। लेकिन घर गिरवा के चले गए जी, हमारी कह रहे कंध गिर दो मिस्त्री लगा दो, मैंने कंध भी गिरी जी, हमारे वो नहीं सुनी नहीं किसी ने, ना हमारे पैसे आए जी। जिन्हें जिन्होंने वोट पाई है, दो पार्टियां ने कुछ नहीं बनाया उन्होंने। अभी तक किसको वोट देती रही आप? पहला ही अकाली दल को भी पाई है, फिर कांग्रेस को भी पाई है, कुछ नहीं करा है हमारे वास्ते। तो काम यही है, पहली सरकार ने कुछ अच्छा किया नहीं है, तो इस बार लोग कह रहे हैं झाड़ू वाली पार्टी को मौका दिया जाए। सभी अपने अपनी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन पहले 60-70 साल कांग्रेस ने राज किया है, वो सोती रहेगी। इस बार बीजेपी का आया है कि शायद मोदी जी कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। मोदी जी के बाद में एक लहर सी बन गई है कि कोई नई सरकार आए, क्योंकि मोदी जी के राज में बहुत महंगाई हो गई है। देखिए जो एक आम आदमी के रोज का राशन पानी है, तेल कितना महंगा हो गया, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, एक महिला जो गृहिणी है जो घर में रहती है वो किस तरह से परिवार को चलाती है, और उससे बड़ी बात है महिला सुरक्षा की, कहीं महिला सुरक्षा कहीं दिखाई नहीं देती है। हाँ जी, बहुत महंगी चीजा हो गई जी, घर चलाना तो औखा ही लगा लॉकडाउन में जी, सारी चीजें महंगी है जी, मारे उदा तो घी भी, गठा भी, आलू भी, तेल भी, तेल 200 रुपए, ठीक है नहीं, सारी चीज महंगी हुई है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ से अकाली दल के विधायक रहे हैं जी, और मोदी जी ने भी काफी देश दुनिया का विकास किया, तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ है कि 5 साल बुरे हुए? ना, कुछ नहीं हुआ, बुरा हुआ, अच्छा क्या हुआ, कुछ नहीं। गरीब आदमी तो मारा गया, पहले नोटबंदी कर दी, फिर कोरोना का झगड़ा पा दिया, छोटा बंदा तो पीस गया उसमें। इस बार किसको वोट दे रही है? माने जी अपना मुंडा खड़ा है, पान जा मेरा, उसने वोट पावांगे, मैं सारी माजरी ने रख का खड़ा है। रोकी सरबजीत सिंह रोकी, सरबजीत सिंह रोकी। हाँ जी, तो उससे क्या राजनीति में फर्क क्या पड़ेगा? जो समस्या होगी जी हम इन्हें दसांगे, पूरी तो करागा बेड़ेगी गरीब जनता की, सारे की। किसी का घट हुआ था, पुराने मशीने नहीं कुछ बनाया, नमे ने नहीं बनाया कुछ भी, माने कर्जा चक का घर पाया, वो कह रहे भी थानू क्या लोड़ा करे पैसे की, थर तो घर पे गया, हम तो मोनू भीर को जाने नहीं दी, मोनू भीर रोकी भीर है जी, जो हमारा साथ देगा तो उसी का साथ देंगे, उसी के साथ देंगे। हाँ जी जरूर। नमस्कार, मैं भाषा न्यूज क्लिक की टीम के साथ मैं इस समय पंजाब में पहुंची हूँ डेरा बस्सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ पर गांव महमूदपुर में हमारी मुलाकात हुई आरपीआई के उम्मीदवार रॉकी वाल्मीकि जी से। आपका न्यूज क्लिक में बहुत स्वागत है, आपके मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर भाजपा चुनाव में है, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सारे लोग हैं, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव में उतरे हैं? पहला तो सारे सत श्री अकाल, न्यूज़ क्लिक नूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने सानू इस लायक समझा, साडा इंटरव्यू लेने इन्नी दूरों दिल्ली तो इत्थे पहुंचे ने, तो जो कि तुसीं साडे मैनूं सवाल किया है कि भी की लग्या तुहानूं इत्थे चुनाव च खड़ा होने वास्ते, कि साडा जिहड़ा समाज है 36% है, 36% दे होण दे बावजूद भी 1% वाले साडे ते राज कर रहे हैं। अंग्रेजां दी जिहड़ी नीति सीगी फूट पाओ राज करो नीति, वो साढ़े ते अज तक चलती आ रही है, साड़ी जिन्नी भी मजरियां है, साडा समाज है,
ऐसी समाज है साढ़े च फुट पाई गई है, फुट पा के साढ़े ते राज किया गया ते 70 साल तो वध हो गए ऐसी समाज वोटिंग पाता आ रहा, ऐसी समाज सिर्फ वोटर बन के रह गया अज के टाइम च सिर्फ वोटर। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के भी दलित उम्मीदवार हैं और पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी दलित को उन्होंने सीएम बनाया। देखो मैम, दलित भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं होता था। जनरल गरीब भी हो सकता है, अगर कोई जनरल कास्ट से बिलोंग करता है वो भी गरीब हो सकता है, जरूरी नहीं है दलित ही गरीब होता है, तो दलित अमीर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो गरीब ही है। जो चन्नी है उसकी आपने प्रॉपर्टी देखी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी तो देखो कितनी है, उसका घर देखो जाके। अभी सिद्धू मूसेवाला कहता जी मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे अपना कांग्रेस ने टिकट दी है, कहाँ से गरीब, रेंज रोवर उसके पास गड्डी है, हवेली उसके पास है, चार चार हवेलियाँ उसके पास, कहाँ से गरीब है वो। ये तो मैडम कहने की बात है, मतलब वोट लेने के लिए, गरीब जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है ये सब कुछ भी, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। आपका क्या मानना है, लोग आपको क्यों वोट देंगे और क्या आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत से वादे हैं, आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से वादा कर रही है, आपका क्या ऑफर है? मेरा तो ऑफर यही है, मैं अपने समाज से बात करता हूँ, मैं किसी और किसी से नहीं बात कर रहा, मेरा मेन मुद्दा है मेरा समाज, जो मैं अपने समाज को जागरूक करना चाहता हूँ। मेरा कोई जीतना मुद्दा नहीं है भी मैं जीत के MLA बन जाऊँ, मैं फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूँ, मेरा ये नहीं है, मैं अपने समाज को एक करना चाहता हूँ। जैसे अंग्रेजों ने हमारे में नीति अपना रखी ना, फूड पावर राज करो नीति, उस नीति को हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे हमारी एक मजरी है, एक कॉलोनी है लगा लो, उसमें चार तो प्रधान होते हैं और चार, एक दो कांग्रेस की तरफ होते हैं, दो काली की तरफ होते हैं, तो वो अगर इकट्ठे हो जाए ना तो वो अपना MC, अपनी सरकार, अपना MLA, अपना MP बना सकते हैं, पर उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। पीछे जे किसी ने मुझे एक कहावत कही थी भी मेरे गांव में एक जनरल की वोट है, एक घर है जनरल का और 100 घर हैं SC के, पर एक जनरल हर बार सरपंच बनता है। क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि भी जितने भी SC हैं उनमें फूट पाई हुई है, ठीक है जी, उस फूट को खत्म करने के लिए हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं कि भी जागो, तुमने बहुत वोटिंग कर ली, तुम एक वोटर बन के रह गए हो और पिछले समय में 70 साल लगातार तुम चाट बचाते आ रहे हो, कभी तुम टेंट लगाते हो, कभी तुम बंदोबस्त करते हो, है ना, कभी तुम पार्टियों के झंडे उठा रहे हो, कभी डंडे उठा रहे हो, उनके लिए डंडे खा भी रहे हो, उनके लिए जेलें भी काट रहे हो, फिर तुम्हारे घर कच्चे, फिर तुम वही के वही हो, फिर भी तुम कमा के खा रहे हो, तुम्हें कोई पार्टी वाला घर पे देके नहीं जा रहा, फिर भी तुम जाते हो दिहाड़ी करके आते हो दिन भर, फिर जो 100-200 रुपया कमाया उसी से घर चलता है, वो कोई राजनेता नहीं तुम्हें देता भी, जा भी तू अपना घर चला ले। जब सब कुछ खुद करके खाना है तो फिर वोट भी तुम अपनी खुद की डालो ना, अपनी मर्जी की डालो। पंजाब में बहुत तीखी लड़ाई है और इस तीखी लड़ाई का एक एग्जाम्पल, एक एहसास डेरा बसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है। यहाँ अलग अलग पेशों से जुड़े लोगों की आकांक्षाएं चुनाव से अलग अलग हैं, लेकिन सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि शायद पंजाब इस बार जो परंपरागत राजनीति है, यहाँ पर अभी तक जिस तरह से अकाली और कांग्रेस के बीच राजनीति चलती रही है उससे एक परिवर्तन की राह में है। लेकिन इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि भाजपा के खिलाफ एक बड़े पैमाने पे आक्रोश पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में है, शायद उस तरह का गहरा आक्रोश शहरी तबके में अकालियों के खिलाफ नहीं दिखाई दे रहा, और वह भी अलग अलग उम्मीदवारों के साथ अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।